हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.3 का जो एग्जांपल 10 है उसको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल नंबर 10 रह गया था, एग्जांपल 10 को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 1.3 का जो एग्जाम्पल 10 है इसको स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बिटवीन में आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 10 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ, फाइंड एन इरेशनल नंबर, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। माई डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है 1/7 और 2/7 के बिटवीन में। ये दोनों रैशनल नंबर है, इनके बिटवीन में एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको मैंने समझाया था कि इरेशनल नंबर बेसिकली होता क्या है। प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर के बारे में मैंने क्या बताया था कि ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर आपको बताना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते, मान लो 0.20, देखिए 0.20 आई, फिर देखिए 2000 कर लो, फिर 2000 कर लो, 2400 कर लो, एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए, पहले 2 लिखा था, 0.2 सिंगल जीरो थी, फिर 2 लिखा, फिर 00, फिर 2 लिखा, फिर 000, फिर 2 लिखा, फिर 40, एंड सो ऑन। तो ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं होता है और ना ही फिनिश होता, समाप्त होता है, ठीक है, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो और जो कभी भी समाप्त ना होता हो, फिनिश ना होता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो हमेशा इरेशनल नंबर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं जो रिपीट नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, इसको देखिए ध्यान से। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 एंड 2/7 के बिटवीन में एक इरेशनल नंबर, वन इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। एन का मतलब क्या होता है? वन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वन इरेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है 1/7 2/7 के बिटवीन में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन और देन बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। एग्जाम में आपको कैसे लिख के आना है बिल्कुल सिक्वेंस में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, 1/7 एक रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन पहले फाइंड आउट कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, 7 को ऐसे डिवाइड करना है 1 से। तो डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। 7 जो कितना होगा 7, तो कितना बचेगा 3। पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो जीरो लगा लो। 7 × 4 = 28 माइनस कर लो, कितना होगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 2 में से 2 0, पॉइंट पहले से जीरो लगा लो। 7 × 2 = 14 कितना होगा, 10 में से 4 माइनस करो 6, 1 में से 1 0, पॉइंट पहले से जीरो लगा लो। 7 × 8 = 56 इसको माइनस कराओ,
टेन में से सिक्स माइनस करो फोर, फाइव में से फाइव जीरो, ठीक है, पॉइंट पहले से एक जीरो हो लगा लो, सेवन फाइव जो कितना होगा थर्टी फाइव, तो यहाँ पे थर्टी फाइव आपने लिख लिया, इसको माइनस करो, टेन में से फाइव फाइव, थ्री में से थ्री जीरो, ठीक है, फिर पॉइंट पहले से जीरो लगा लो, सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन, फिर माइनस करो कितना आएगा वन आएगा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हम देखिए वन लेकर चले थे, ये जीरो तो हमने बाद में माना था, क्वेश्चन तो ये था कि हमने सेवन को वन से डिवाइड किया था, यानी यहाँ पर पहले वन था, हमने इसको डिवाइड किया तो ये स्टेप चले, फिर वापस वन आ गया है, देखिए वापस वन आ गया है, यानी अब दोबारा अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो यही स्टेप सेम रिपीट होंगी, यही सेम स्टेप चलते रहेंगे, यही नंबर दोबारा आएगा वन फोर टू एट फाइव सेवन, यही रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वन आ गया है, आप डिवाइड दोगे फिर ये नंबर रिपीट होगा, फिर बाद में वन आएगा फिर ये नंबर रिपीट होगा, यानी इस नंबर पे आपको बार लगाना है, यही नंबर अब बार बार आएगा, ठीक है, यही नंबर क्या आएगा बार बार आएगा। तो जैसे हमने सेवन को वन से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन, ठीक है, इस पूरे नंबर पे देखिए बार लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक है, वन से स्टार्ट किया था वापस वन आ गया, फिर पॉइंट तो पहले से लगा हुआ जीरो लगाओगे तो सेवन वन जो सेवन, फिर से वन आएगा और फिर यहाँ पर थर्टी बचेगा यानी थ्री आएगा, फिर यहाँ पे थ्री बचेगा नीचे, फिर थर्टी होगा, फिर सेवन फोर जो ट्वेंटी एट, यानी यही स्टेप दोबारा रिपीट होगा, तो आपको दोबारा नहीं करना डिवीजन, ठीक है, आपको वन यहाँ रिमाइंडर आ गया, यानी ये चीज़ अगर आपको मिल गई वापस वहाँ पर तो आपको इसके ऊपर बार लगाना, क्योंकि वापस फिर यही नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, यही पूरा नंबर रिपीट होगा। तो अब देखिए टू अपॉइंट सेवन है तो टू अपॉइंट सेवन की वैल्यू भी निकाल लो आप, तो टू अपॉइंट सेवन को आपको सीधा डिवाइड नहीं करना है, इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, टू को बाहर कर सकते हैं इन टू में वन अपॉइंट सेवन, ठीक है, अब देखिए ध्यान से टू सेम रहेगा, वन अपॉइंट सेवन की वैल्यू हमने ये निकाली है, वन अपॉइंट सेवन की वैल्यू ये है, ये यहाँ पर फिल कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लो, जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन, और इस पर बार लगा लो, बार सेम रहेगा। अब इस टू का इंटू करो बार के साथ, ठीक है, तो कितना हुआ देखिए, टू सेवन जो फोर्टीन का फोर वन कैरी, टू फाइव जो टेन एक इलेवन वन कैरी, टू एट जो सिक्सटीन एक सेवनटीन वन कैरी, टू टू जो फोर एक फाइव, ठीक है, टू फोर जो एट, टू वन जो टू, पॉइंट सेम जीरो सेम, और इस पर बार लगा हुआ था तो इस पूरे नंबर पे बार आएगा, ठीक है, और टू बाई सेवन की वैल्यू क्या हो गया, जीरो पॉइंट टू एट फाइव सेवन वन फोर, इसका पूरे का बार हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों के बिटवीन में वन अपॉन सेवन टू अपॉन सेवन के बिटवीन में आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो देखिए आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है यहाँ पे देयर फॉर वन इरेशनल नंबर, वन इरेशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन बिटवीन वन अपॉन सेवन, यहाँ लिखता हूँ वन अपॉन सेवन एंड टू अपॉन सेवन, ठीक है, आपको क्या करना है, एक इरेशनल नंबर बताना है वन अपॉन सेवन टू अपॉन सेवन के बिटवीन में, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग वाले जो नंबर है ना, देखिए वन अपॉन सेवन की वैल्यू में फोर्टीन है और टू अपॉन सेवन की वैल्यू में ट्वेंटी एट है, तो स्टार्टिंग वाले जो नंबर है इनके बीच में आपको एक नंबर फिक्स कर लेना, कोई भी, फोर्टीन के बाद फिफ्टीन आता है, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, यानी ट्वेंटी एट से कम, यानी 14 और 28 के बीच में आपको एक नंबर फिक्स करना, कुछ भी, तो 14 और 28 के बीच में क्या नंबर होंगे, बाकी को आप भूल जाओ, ठीक है, आगे वाले नंबर को आप भूल जाओ, आपको जो स्टार्टिंग में नंबर है 14 और 28 इनके बीच में कोई एक नंबर को सेट कर लो, मान लो देखिए 14 और 28 के बीच में क्या आता है, 16 आता है, 15 आता है, 17 आता है, 27 आता है, ठीक है, इनके बीच का एक नंबर को आपको फिक्स करना है और फिर जीरो जीरो लगा करके इरेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं, बट हमें एक इरेशनल नंबर बताना है कि क्या होगा, तो हम कैसे बनाएंगे, 14 और 28 के बीच में एक वैल्यू फिक्स कर दो आप, जैसे मान लो यहाँ पर देयरफॉर आपने मान लिया 0.15, देखिए 14 और 28 के बिटवीन में 15 रहेगा कहीं ना कहीं, तो 15 मान लिया, फिर 0 मान लो, फिर 15, फिर डबल 0, फिर 15, फिर ट्रिपल 0, फिर 15, फिर 40, फिर 15, फिर 50, 40, और यहाँ पे 50 एंड सो ऑन,
ऐसे आपको आंसर देना है, ठीक है। इनफाइनाइट रैशनल, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे लिखो 0.16, फिर 0.16, फिर 00, फिर 16, फिर 000, फिर 16, 40, 16, 50 एंड सो ऑन, ठीक है। आप देखिए 14 और 28 के बीच में एक ऐसा नंबर सेट करो, जैसे मैंने 15 किया है, आप मान लो 16 कर लो, 17 कर लो, 18 कर लो या 27 कर लो, बस आपको क्या करना है 0.15, फिर 0, फिर 15, जो नंबर यहाँ लिखा है वो नंबर, फिर 00, फिर वो नंबर, फिर 000, फिर वो नंबर, फिर 40, वो नंबर 50 लिखते जाने हैं। तो ये जो होगा ये एक इरेशनल नंबर होगा इन दोनों के बिटवीन में, ठीक है। जो ये नंबर हमने निकाला है ये एक इरेशनल नंबर होगा 1/7 एंड 2/7 के बिटवीन में, ठीक है। ये नंबर कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, ठीक है। और ऐसे ही नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इस बात का ध्यान रहे। तो डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल आपको ऐसे सॉल्व करना था, तो इसको नोट डाउन कर ले पहले।